तुम्हें इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने घर के बड़े बूढ़े, किसी के पिताजी हैं, किसी के ताऊजी हैं, किसी के नाना जी हैं, तो किसी के दादाजी हैं, आप उनको ही अपना आदर्श मानकर सत्संग की गांठ बांध लें कि हमको जीवन पर्यंत सत्संग करना है। आप लोग कहें कि हमारी आयु सत्संग की है, ऐसा नहीं है। प्रहलाद जी के अनुसार कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, सत्संग जो है सत्संग की सबसे उत्तम आयु है 4-5 वर्ष की आयु। उस आयु से ही सत्संग प्राप्त होने लग जाना चाहिए। इतना साहित्य गीता प्रेस ने दिया है सत्संग का कि जीवन भर पढ़ते रह जाओ तो भी आपको साहित्य की कमी नहीं अनुभव में आने देंगे। शेठ जी का, भाई जी का, स्वामी जी का कितना साहित्य, कल्याणकारी साहित्य। प्रायः सब पुराणांक भी निकल गए हैं, और नहीं तो गीता, भागवत, रामायण आदि पवित्र सदग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ये कथा तो पूरी हो जाएगी। पर यह प्रसाद आप लोग लेकर के जाइए कि अब इसके बाद अब जिसके पास भी जितना जीवन बचा है वो जीवन हम अब सत्संग में व्यतीत करेंगे। तब तो आपका यहाँ आना और कुछ 2-5 पैसा जो भी परिश्रम की कमाई आपने खर्च की वो सब सार्थक है, और नहीं तो कथाएं तो सब जगह होती रहती हैं, बड़े से बड़े आयोजन भी होते हैं और लोग जाते हैं चले जाते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना यही है कि आप लोग यह प्रसाद, ऐसा प्रसाद जो जीवन के अंतिम श्वास तक काम आने वाला है, इस प्रसाद को यहाँ से लेकर जाइए और अब सत्संग अपना स्वभाव बना लीजिए। कोई महापुरुष का सत्संग आप जहां रहते हैं वहां हो, आप समय निकालकर श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने जाइए। वैसा संभव ना हो तो आज इतनी अच्छी सुविधा प्राप्त हो गई है, आप बताइए। इस अंश में हम विज्ञान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि श्री सुखदेव जी की वाणी आज हम सुनना चाहें तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन अभी भी सेठ जी का प्रवचन कैसेट में उपलब्ध है। आप सोचिए, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का प्रवचन कैसेट में उपलब्ध है। अभी हमको एक बहुत अच्छी भक्ता हैं, डालमिया परिवार की, शायद मधु डालमिया जी नाम है, उन्होंने इस बार हमारे पास भेजी भाई जी की पेन ड्राइव पूरी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पूरा सत्संग, माने जहां तक उपलब्ध हो सका उन्होंने भेजा। स्वामी जी का सत्संग उपलब्ध है, कर्पात्री जी का सत्संग उपलब्ध है, श्री डोंगरी जी महाराज का सत्संग उपलब्ध है, पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी का भी सत्संग यूट्यूब पर उपलब्ध है। तो इन पूज्य संतों का, जो जिन संतों की वाणी सुनकर हम सीधे भगवान की ओर बढ़ सकते हैं, उन संतों का सत्संग भी आप सुनने का अभ्यास डालिए, उनका सत्संग सुनिए। इतना भी संभव न हो सके तो सबसे बढ़िया उपाय है यहाँ से जाने के बाद अपने घर में, अपने घर के ठाकुर जी के सामने आधा घंटा बैठकर सब परिवार के लोग कीर्तन करें, भगवान नाम कीर्तन करें, और आधा घंटे घर का एक कोई व्यक्ति जो हिंदी बांचना जानता है वो किसी सदग्रंथ को लेके बैठ जाए, वो बांच करके सुनावे और सब लोग श्रद्धापूर्वक सुने। किसी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं कि भाई हम आवे तो सुनावे, तभी सुनो, नित्य सुनो, देखो कितना लाभ होता है। व्यासी, हमारा ऐसा मानना है कि किसी परिवार में 6 महीने तक भी ऐसा हो जाए तो उसके पूरे के पूरे परिवार का वातावरण बदल जाएगा। आवश्यकता है कि हमें बाहर सत्संग न मिले,
जहां हम रहते हैं वहीं हमें सत्संग मिलने लग जाए, ये आवश्यक है। बाहर का सत्संग ज्यादा काम नहीं करता, जब भीतर जहां रहते वहां सत्संग नहीं मिलता, जहां रहते वहां निरंतर कुसंग मिल रहा है तो थोड़ी देर का सत्संग क्या काम करेगा। इसलिए सत्संग में जावें तब तो सत्संग मिले, और जब सत्संग में नहीं गए तो जहां घर में रह रहे हैं घर का ऐसा पवित्र वातावरण बन जाए कि जिस घर में हम रहें उसी घर में हमें सत्संग का अनुभव हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। माई मेरे श्याम।